हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिस्पी कुंद्रा। आज हम बनाने जा रहे हैं रिजोटो। सो ये रिजोटो होता क्या? रिजोटो एक नॉर्थ इटालियन डिश है। जैसे हम लोग अपने घर में खिचड़ी खाते हैं, वैसी वो लोग रोज रिजोटो खाते हैं। रिजोटो बनाने के लिए हमें एक स्पेशल वैरायटी ऑफ राइस चाहिए, जिसे अर्बोरियो राइस बोलते हैं। इसका ग्रेन एकदम शॉर्ट एंड राउंड होता है, जो कि कुकिंग के टाइम अपना स्ट्रक्चर फर्मली होल्ड करता है। अगर मैं इसमें ज़रा सी भी उंगली स्वर्ल करता हूँ तो मेरी फिंगर बिल्कुल वाइट हो जाती है ड्यू टू द हाई स्टार्च कंटेंट। इसी स्टार्च से हमारे रिजोटो को उसका सिग्नेचर रिच एंड क्रीमी टेक्सचर मिलेगा। यू कैन परचेज दिस ऑन अमेज़न और बिग बास्केट। सो फ्रेंड्स, आज जो वर्जन मैं बनाने वाला हूँ वो एक थोड़ा हटके वर्जन होने वाला है ट्रेडिशनल रेसिपी से। इसको हम थोड़ा सा देसीफाई करेंगे और इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। सो गाइस, जैसे हम नॉर्मल चावलों को पानी में उबालते हैं, रिजोटो के लिए हम एक स्पेशल पानी तैयार करते हैं, जिसे हम वेजिटेबल स्टॉक बोलेंगे। सो उसकी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक कंटेनर में थोड़ा सा हॉट वाटर डाल रहा हूँ, उसके अंदर एक ब्लॉक मैगी का वेजिटेबल क्यूब डालूंगा, उसे अच्छे से मैश करके मिक्स कर दूंगा। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर एंड पेरी पेरी मसाला फॉर द सीजनिंग्स, एंड एक पर्सनल टच के लिए थोड़ा सा गार्लिक पाउडर एंड अनियन पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करना है एंड बाकी का हॉट वाटर भी इसमें डाल दें। सो हमारा रेशो क्या होगा? 1 कप ऑफ राइस के लिए हम अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर तक का स्टॉक यूज करेंगे। इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, नॉर्मल ऑलिव ऑयल भी चलेगा। ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे। बटर की कोई लिमिट नहीं है। सो हमारा ऑयल हीट हो चुका है, बटर सारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें अपने अनियंस, जो कि मैंने फाइनली चॉप करे हैं, वो ऐड कर देंगे। इन्हें हमें ट्रांसल्यूसेंट होने तक कुक करना है। साथ में ही इसके हम अपना ग्रेटेड गार्लिक, 2 क्लोव्स हैं, वो भी ऐड कर देंगे। सो गाइस, अनियंस ऑलमोस्ट ट्रांसल्यूसेंट हो गए हैं, थोड़ा सा पिंक कलर है, बट ये एकदम परफेक्ट टाइमिंग है हमारे मशरूम्स को ऐड करने का। ये नॉर्मल वाइट बटन मशरूम्स हैं, जिनको मैंने थिनली स्लाइस कर दिया। अभी तो ये बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे आपको, बट देखना 5 मिनट में ये कैसे श्रिंक होके एकदम ज़रा से रह जाएंगे, जस्ट लाइक स्पिनच। गाइस, अब आपको दिख रहा होगा हमारे मशरूम्स काफ़ी सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं, उन्होंने अपना पानी रिलीज करना शुरू कर दिया। इस तरह से ये आपको दिख रहा है। अब हमें इन्हें तब तक पकाना है जब तक कि सारा पानी इवेपोरेट ना हो जाए और मशरूम हल्के से क्रिस्पी ब्राउन से होने शुरू हो जाए। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट फ्लेम आप थोड़ा मीडियम हाई पे रखना और इसको कुक करने के लिए छोड़ देते हैं। सारा मशरूम का पानी ऑलमोस्ट इवेपोरेट हो गया है और हमारे मशरूम अब धीरे धीरे कैरमलाइज होने शुरू हो जाएंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इनमें से। इस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि ये जल ना जाए, हमें इन्हें बस थोड़ा सा क्रिस्पीनेस देनी है साइड से, जलाना नहीं है। हमारे मशरूम ऑलमोस्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर अपना मेन इंग्रेडिएंट यानी कि रिजोटो के लिए स्पेशल अर्बोरियो राइस ऐड करेंगे। ये नॉर्मल राइस की तरह नहीं है, हम इन्हें पहले सॉटे करते हैं, उसके बाद इसमें पानी डाल के इसको कुक करते हैं। अब इसमें भी ध्यान रखना है कि कहीं राइस ग्रेन जल ना जाए, हमें बस तब तक इसे कुक करना है जब तक इसका राइस ग्रेन के एजेस के ऊपर थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट होना शुरू हो जाए। सो हमारा राइस सॉटे हो चुका है जितना हमें करना था, एजेस ट्रांसल्यूसेंट हो गई हैं। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर अपना जो स्टॉक बनाया था इसको धीरे धीरे पोर करेंगे, सारा एक साथ नहीं डालेंगे। देखो, हम बस इतना ही स्टॉक ऐड करेंगे कि सारे के सारे राइस जो हैं उसमें अच्छे से डूब जाए। फ्लेम एकदम लो पे करेंगे और इसे हम ओपन ही पकाते हैं, इसीलिए इसमें ज़्यादा स्टॉक यूज़ होता है। सो हमने इसे अब अच्छे से स्टॉक में कोट कर दिया है। हम फ्लेम को मीडियम लो पे रखेंगे और इसे धीरे धीरे सिमर होने देंगे। अब हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है
इसके ऊपर गिद्ध की तरह नज़र लगा के रखनी है। जैसे ही हमें लगे कि स्टॉक सारा इवेपोरेट हो चुका है, हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें और स्टॉक ऐड कर देना है, जस्ट इनफ टू कवर इट टिल द सरफेस। आपको इसमें दिख रहा होगा चावल कैसे पक होना शुरू हो गया है, ऐसे धीरे धीरे वो कुक होंगे, रिसोटो बन गया। सो गाइस, पीछे आप देख रहे होंगे वो धीरे धीरे पक रहा है, मुझे ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो गए हैं और अभी 10 मिनट्स और लगने वाले हैं, लेकिन इसका एंड रिजल्ट बहुत मज़ेदार होने वाला है, इसलिए ये वर्थ इट है, डू ट्राई दिस। चलिए देखते हैं अभी क्या होता है। This is the last installment for the vegetable stock. We have entered the end game, so let's just wait and watch. If you feel ki sara stock khatam hone ke baad bhi rice grain acche se cook nahi hua hai, then take a little bit of more hot water, usme thodi si seasonings aur add kar do and just make sure ki rice cooked hai acche se. Measurements upar niche ho sakti hain, lekin ultimately hame hi khana hai na ise. Aadhe ghante ki puri mehnat ke baad अब हमारा ग्रैंड फिनाले शुरू होने वाला है। मैंने एक स्पेशल पार्मेजान चीज़ मंगवाई थी, इसके बिना रिजोटो कभी कंप्लीट नहीं होता। ये थोड़ी सी सॉल्टी चीज़ होती है, इसलिए मैंने स्टॉक में बहुत कम सॉल्ट डाला था। इसको मैं जी खोल के ग्रेट करने वाला हूँ। नेक्स्ट, थोड़ा सा पर्सनल टच के लिए मोज़रेला चीज़। जब ये इसमें मेल्ट होगा तो बीच में चीज़ की पॉकेट्स बहुत अच्छी लगती हैं। फेवरेट बटर 1 टीस्पून डालेंगे, इसको टॉप करेंगे ऑलिव ऑयल के साथ। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर देता हूँ एंड इसको हम इमीडिएटली कवर कर देंगे फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फ्लेम ऑफ। गाइस, हमारा ब्यूटीफुल रिसोटो इज रेडी टू ईट। अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा है, इतना क्रीमी, चीज़ी, वाओ, आपको इसको ज़रूर ट्राई करना।